जो है हमने आज एक अहम मीटिंग की प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स एसोसिएशन के ऑफिस में, तो ये इसलिए हमने आज कन्वे की कि जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है और गवर्नमेंट ऑफ जेके यूटी का प्रोग्राम है कि 3 जनवरी से हमारी यूटी में 15+ बच्चों की वैक्सीनेशन हो रही है, जो कि बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं या ट्यूशन सेंटर्स में पढ़ते हैं। जैसा कि देखा गया है कि श्रीनगर सिटी में मैक्सिमम ट्यूशन सेंटर्स हैं, तो मेजॉरिटी बच्चे इन्हीं सेंटर्स में हैं। तो हमने ये मुनासिब जाना कि हम जो ये प्राइवेट ट्यूशन एसोसिएशन हैं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हैं, जो प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स हैं उनके हेड्स हैं, वो यहाँ पे आए। हमने यहाँ डिस्कशन किया इन डिटेल, जो हमारी स्ट्रेटजी होगी 3 जनवरी से हमारी वैक्सीनेशन होनी है बच्चों की, ये हमने शुरू करना है 3 जनवरी से। जैसे कि मालूम हुआ है कि मतलब वैक्सीनेशन ही एक सेफ प्रोटेक्शन है कोविड से बचने की और कोविड पैंडेमिक से बाहर आने की। इसमें कोई मतलब घबराने की बात नहीं है, ये वैक्सीनेशन ऑलरेडी हमने कंप्लीट की है 100% जेके यूटी में। हमने तो मतलब लाखों में डोजेस लगाए हैं। तो अब गवर्नमेंट ने जब इसका अप्रूवल दिया कि कोवैक्सीन 15+ 15 to 17 एज में लगना है, तो ये इंशाल्लाह 3 जनवरी से गवर्नमेंट स्कूल्स में और प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स में हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसे मतलब ये वैक्सीनेशन, जब भी वैक्सीन कोई किसी डिजीज के खिलाफ आता है, ये साइंटिफिक अप्रोच से आता है, साइंटिफिक सेटअप से आता है, साइंटिफिक प्रोसेस से आता है। तो जैसे कोई भी डिजीज़ हो जिनके खिलाफ वैक्सीनेशन चल रही है और वैक्सीनेशन से ही वो एलिमिनेट हुई है, जो कोविड वैक्सीनेशन है, दिस इज एन साइंटिफिकली प्रूव्ड दैट दिस इज द बेस्ट प्रोटेक्शन। वैक्सीनेशन करके भी हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लेना है, वैक्सीनेशन का फुली वैक्सीनेशन ही इसका एक फाइनल सोल्यूशन है और गेम चेंजर है। नहीं, इनका तो बहुत ही एक एनकरेजिंग रिस्पॉन्स है, दे आर मेजर प्लेयर्स दिस एज ग्रुप, जो बच्चे हैं इनके तो ये मेजर प्लेयर्स हैं, दे आर केयर टेकर्स, दे आर इवन व्हाट वी कॉल एज रोल मॉडल्स। इनके जो स्टार टीचर्स हैं, जो बच्चे मतलब क्रीम बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तो हमारी उम्मीद है कि ये एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम है। देखो, हमारा मतलब ये है कि हम बच्चों की पढ़ाई भी ना डिस्टर्ब हो जाए, इनको मतलब दूर कहीं जाना ना पड़े। जो हमारे मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट है और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट जो वैक्सीनेशन का देखते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, स्कूल एजुकेशन है, प्राइवेट है, हम ये मोबाइल साइट्स पे रखेंगे। मगर ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ पे हम सिर्फ वैक्सीनेशन करेंगे, वहाँ हमारी बैकअप स्टाफ होगा, एक एम्बुलेंस होगी, एवरीथिंग विल बी देयर। इट विल नॉट बी लाइक दैट कि कहीं वैक्सीन किया तो छोड़ दिया। उसके लिए एक हमेशा एक टीम बनती है, जिसमें एक मेडिकल ऑफिसर होता है, एक एम्बुलेंस होती है, दवाइयाँ होती है और उसका सुपरविजन। देखो, ये तो वर्ल्ड ऑर्डर ही, जहाँ पे भी वैक्सीनेशन कंप्लीट है वही सेंटर्स खुल रहे हैं। जहाँ पे भी अगर कुछ सेंटर्स हैं अगर अनवैक्सीनेटेड होंगे, ना वो उस सेंटर में आना देते हैं, ना ट्रैवल करना है, ना किसी मेजर और हायर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल सकता है। हमारी अपील, सिंसियर अपील इन बच्चों से, उनके पेरेंट्स से है कि दे शुड वॉलंटियरली कम एंड गेट दिस वैक्सीनेशन डन। देखिए, मैं डे 1 से कहते आया हूँ कि कोचिंग सेंटर्स, स्कूल्स अवेयरनेस सेंटर हैं, सोशल अवेयरनेस सेंटर हैं, और यहाँ पे बच्चों को हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि इस वबाई बीमारी से बचने के लिए क्या क्या एहतियात ज़रूरी है और उन पे अमल करना कितना ज़रूरी है। यही वजह है कि चाहे सैनिटाइजेशन का मामला हो, चाहे मास्क लगाने का मामला हो, या वैक्सीनेशन का मामला हो, हमारी कोशिश रहती है कि बच्चे अवेयर रहें कि ये उनके लिए कितना ज़रूरी है, कितना अहम है। आज डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के तआवुन से जो CMO श्रीनगर डॉक्टर जमील साहब यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, और जो उनके साथ दूसरे जो मेंबर्स हैं, डिप्टी CMO या दूसरे ऑफिसर्स हैं, उनके साथ हमारी इसी चीज़ पर आज जो मीटिंग हुई कि किस तरह से इस वैक्सीनेशन कैंपेन को इफेक्टिव बनाया जाए। हम सारे कोचिंग सेंटर्स को कह रहे हैं, इवन उन स्कूल्स को भी जहाँ पे रेमेडियल क्लास जिस वक्त चल रहे हैं, हम हर एक से यही गुजारिश कर रहे हैं कि जो भी बच्चे इस एज ग्रुप में आते हैं, जो 15 के बाद जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो उसके लिए कहा है, तो हम यही गुजारिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो, ताकि हम ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाने में कोई दिक्कत ना हो और इस वबाई सूरत हाल से हमारे बच्चे महफूज रहें। इसके लिए आज हमारी मीटिंग हुई, कोचिंग सेंटर्स के जिम्मेदार हैं वो यहाँ आए, और जो डिपार्टमेंट हेल्थ के भी लोग वो भी यहाँ आए, खासकर डिप्टी जो है CMO श्रीनगर डॉक्टर जमील साहब खुद यहाँ मौजूद हैं। तो आज हमने ये फैसला लिया कि जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं या जितने भी वो स्कूल हैं जहाँ पर रेमेडियल क्लासेस हैं, वहाँ पर बाकायदा टीमें जाएंगी और बच्चों की वैक्सीनेशन होगी।
हम कोचिंग सेंटर से भी, स्कूलों से भी, जहाँ जहाँ पर भी क्लास लग रहे हैं, जहाँ जहाँ भी बच्चे आ रहे हैं, गुजारिश करेंगे कि वो ताउन करें, कोऑपरेट करें और इंश्योर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वैक्सीनेशन करें, ताकि वो इस जो वही बीमारी से महफूज रहें।